डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजीव रंजन. टूडेज वी विल डिस्कस अबाउट ADHD. इट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. दोस्तों, यह एक बिहेवियर डिसऑर्डर है और आज हम बात करें तो कम से कम 26.8 मिलियन बच्चे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित है और एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का ही पार्ट है जहां हम ADHD को एक मुख्य कॉमन प्रॉब्लम्स पेरेंट्स के बीच पाते हैं. अक्सर पेरेंट्स आते हैं और उनको थोड़ा लेट पता चलता है कि ADHD हो गया है और उनका बच्चा किसी एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से गुजर रहा है. तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इसको आप किन चिन्हों से कर सकते हैं कि ये ADHD है और कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो सबसे पहले, जब आपका बच्चा का अटेंशन बहुत शॉर्ट हो, इसमें शॉर्ट अटेंशन होता है, बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव होता है, वो एक जगह बैठता नहीं, एक जगह टिकता नहीं, वो उछल कूद ज़्यादा करता है, एक नॉर्मल चीज़ों को भी करने में वो बहुत कम समय लेता है और वहाँ पर टिक के नहीं रहता, तब आपको कहीं ना कहीं शंका होनी चाहिए कि बच्चा आपका ADHD से गुजर रहा है. ADHD में आप ये भी देखेंगे कि ये जो बीमारी है, एक ही कम से कम आप एक साल तक की उम्र से बच्चों को आप चिन्हित कर सकते हैं कि ADHD है. ADHD में बच्चे किसी भी टास्क को पूरा नहीं करते हैं, उसको अनकम्प्लीट छोड़ते हैं. अगर हम कॉज की बात करें तो जेनेटिक कॉज सबसे पहले आता है, जो कि एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है ADHD का. सेकंड आता है प्रेगनेंसी के दौरान कोई टॉक्सिन्स या इन्फेक्शंस. इसके अलावा हम आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसको भी जिम्मेदार मानते हैं. पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा समय देना चाहिए बच्चों से, उनके ऊपर वर्क करना चाहिए. अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि ADHD वाले बच्चे को हम क्या क्या कर सकते हैं, इसमें OT क्लासेस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत मददगार साबित होती है और पेरेंट्स की काउंसलिंग ज़रूरी है. बच्चे की टाइम टू टाइम जो क्लासेस होते हैं, ग्रुप क्लासेस होते हैं, उसमें काफ़ी मददगार साबित होता है. अगर हम मेडिसिंस की बात करते हैं तो मिथाइल फेनिडेट यूज़ होता है, एक टाइप का स्टिमुलेंट है जो मदद करता है बच्चे को. साथ में ओमेगा फैटी एसिड भी हम देते हैं जिससे बच्चे को काफ़ी मदद मिलती है. तो एक टाइप का एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है जहां हम बच्चे को ADHD से ट्रीट करके सफल रूप से जीने के लायक बनाते हैं, उनको मददगार साबित करते हैं. इससे हमें घबराना नहीं है, इससे हमें टेंशन नहीं लेना है कि हमारे बच्चे को कोई बहुत बड़ी बीमारी है. एक कॉमन बीमारी है, दिस इज़ अर्बन डिजीज, दिस इज़ अ डेवलप्ड कंट्री डिजीज, जहाँ पर काफ़ी कॉमन है. इन चीज़ों पे फोकस करें जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया है और आप तुरंत ही अपने निकटतम पेडियाट्रिशियन से मिले, इस बीमारी के बारे में समझें और क्या क्या आगे स्टेप्स है उसको उठाने में आप उनकी मदद ले सकते हैं. लेट्स मेक ऑल द सोसाइटी वेरी हेल्दी. अपने बच्चों को बीमारियों और इन तरह के बिहेवियर डिसऑर्डर से दूर रखें. थैंक यू.